जे मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। डीकेटी इंजीनियरिंग, अ डेली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। नमस्कार, मैं राजेश्वर कांत दुबे, जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर स्टडीज में एमए रशियन का छात्र हूँ और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम छात्रों को, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जेएनयू में बीए के एंट्रेंस के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बीए में एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 45% है। अगर आप 12th में 45% से ऊपर ले आ सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं जेएनयू में बीए एंट्रेंस के एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। दूसरा जो आपकी आपको पता होगा, हम बता दें कि यहाँ पे 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। हम बीए ऑनर्स होती हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में, जो कि जर्मन, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज़, जापनीज़, अरबिक, पर्शियन और पश्तो हैं। आप इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में अपनी बीए ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं। आगे हम बताते चलें कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें कुछ 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें पहला होता है जनरल नॉलेज, दूसरा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग और एक एलिमेंट्री नॉलेज। इन चारों चीज़ों पे हम विशेष ध्यान देते हैं। जनरल नॉलेज में स्पेसिफ़िकली हम इंडिया से रिलेटेड और उन पर्टिकुलर रीजन्स, उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जानते हैं, जिन कंट्रीज़ में वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रशियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो रशिया से रिलेटेड वहाँ की जियोग्राफिकल फ़ीचर्स या थोड़ी बहुत पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर वहाँ के नेशनल एम्बलम, इन जैसे क्वेश्चंस के बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है शायद थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि हम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नोटिफिकेशंस आने तक वेट करेंगे, लेकिन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में शुभम जी बताएंगे। नमस्ते, मैं शुभम कुमार, बीए सेकंड ईयर कोरियन स्टडीज़ का छात्र हूं। तो अब जो ट्रेंड चल रही है वो आ रही है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ये होगा कि आपकी जो अभी तक डिवाइडेड थी चीज़ें क्लस्टर वाइज में, उसको अब एक कर दिया गया है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ना होगा, आपको एक एप्टीट्यूड टाइप चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर 100 की क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें 25 का रीजनिंग, 25 की इंग्लिश, 25 की लैंग्वेज से रिलेटेड और उसका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो होगा। तो इस तरह से चीज़ें अब जो है कॉमन एक जगह पर आ जाएगी, तो उससे स्टूडेंट को प्रिपेयर करने में भी और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और इसमें एक चीज़ और क्या होगा ना, कि अलग अलग बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं, जैसे कि किसी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा मजबूत है, यूपी बिहार के लोग जिनका माना जाता है कि साउथ इंडिया वाले से जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं स्टूडेंट, तो उसको एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड सबको दिया गया है खेलने का और परफॉर्म करने का, कि आप एक साथ सब आके एक बेंच पर सेटअप करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप और उसके एलिजिबल होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार झा है, मैं बीए सेकंड ईयर सेंटर फॉर रशियन लैंग्वेज का छात्र हूं। तो जैसा कि आप को राजेश्वर भैया और शुभम भाई ने बता दिया होगा कि जेएनयू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कुछ हेल्पफुल बुक्स हैं जो कि आपको प्रिपरेशन में थोड़ी मदद करेंगी। उनमें से एक ये बुक है आर के गुप्ता का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने प्रिपरेशन में किस तरह की चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा ये एक स्प्लेंडिड बुक है जो जेएनयू के छात्रों ने ही लिखा है। इससे आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि हाँ, हमें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। इन सब के अलावा जेएनयू के सीनियर स्टूडेंट्स आपको वॉलेंटियरली मदद भी करेंगे, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो जेएनयू के सीनियर्स आपके लिए हमेशा तैयार भी रहेंगे। धन्यवाद।